आई हैं, इन्होंने अपनी बहुत ही पर्सनल बातें हमसे शेयर की हैं, तो बहुत ही एक हिम्मत चाहिए ये सब ऐसे प्लेटफॉर्म पे बताने के लिए। तो जो इंस्पिरेशन इनको मिलती है, ये डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज़, इवन के आप किसी को बेइज्जत करते हो अपने लफ्ज़ों से भी कर सकते हो, हाथ उठाना तो बहुत बाद में आता है, किसी आपके जो अल्फाज हैं वो भी किसी की रूह को जो है ना वो छलनी करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो ये जो है ये सारी इंस्पिरेशन इनको इस्लाम से आती है, अहदीस से आती है। और हम जो यहाँ स्ट्रीम्स पे बार बार आप लोगों को अपने अपने ऑडियंस को बताते हैं रेफरेंस के साथ, तो हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हर दूसरे घर की स्टोरी है। हमारे यहाँ ख्वातीन के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। और बहुत हौसले और हिम्मत की बात है कि इन्होंने ये इस लेवल का मेंटालिटी कभी टॉर्चर, चेंज होगी? ये मेंटालिटी को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत लगेगी साहिल, बहुत काम उसके करना लिए पड़ेगा इस इस्लाम पर, से क्योंकि निकलना जरूरी है, इस्लाम की बिल्कुल जो सबसे गंदी जहनियत है उससे बाहर आना जरूरी है, वरना तो जिस पे जुल्म हो रहा है वो तो उनको लगता ही नहीं कि हम पे जुल्म हो रहा है या हमारे लिए ये चीजें गलत है। यही तो प्रॉब्लम है। यही तो मैंने आपको बताया कि दे आर फाइन, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं दिखता इसमें। उनको इसमें प्रॉब्लम दिखता है कि अगर हमने किसी से शेयर किया तो हम जहन्नुम में जा सकते हैं। तो ये सारी बिल्कुल बात आपकी हिम्मत की है और आपके खुद स्टडी करने की, फिर सोचने की, आपके पास दिमाग है। और ये सारी बातें, ये छोटी सी बच्ची ही मुझे लग रही है, मतलब इतनी मेच्योर नहीं लग रही, हो सकता है अबाउट 20 हूँ, लेकिन फिर भी इन्होंने छोटी सी एज में काफ़ी कुछ सहा है। और हाँ, क्या मेरे पास तो इम्पैक्ट वर्ड्स इम्पैक्ट जी आप सोचिए कि बचपन से ये सारा जो हो रहा था इवेंट, वो हाँ, कितना मतलब इनके जहन पे क्या असर खौफनाक किया होगा यार? क्या, किस ट्रॉमा से गुजरी हैं हम तो इमेजिन ही कर सकते हैं। जिसने सहा है उसको पता है कि उस पर क्या बीती है। तो बहुत ही हिम्मत और हौसले की इनकी मैं दाद देती हूँ कि ये सामने आए और इन्होंने हमें बताया। आगे आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ पूछें। जी अदा जी, अच्छा इसमें ये बात हो सकती है कि चलो यार ठीक है, वो आपके अब्बू जी का पर्सनल मामला हो और जालिम थे, जुल्म किया उन्होंने, जो भी है, लेकिन आप इस्लाम से क्यों हट गई? मतलब आपने इसको इस्लाम से क्यों रिलेट किया और इस्लाम से आप क्यों बाहर निकल गई? मैं काफी बड़ी हो गई थी, मैं मदरसा बचपन से नहीं गई हूँ, बड़ी होने के बाद स्टार्ट की हूँ, मतलब 8th क्लास में थी मैं, स्टार्ट की हूँ मैं मदरसा जाना। और मैं स्कूल बचपन से ही जा रही हूँ, तो जब मैं मदरसा जाना शुरू शुरू की थी तो वो एक्साइटमेंट होती है ना कि क्या होगा वहां पे, क्या पढ़ा रहे, फिर वहां की चीजें मेरे लिए बिल्कुल नई नई थी, बिल्कुल भी नई नई। तो फिर मैं स्कूल में ही पढ़ी थी, मदरसे में भी पढ़ी थी, लेकिन मेरे को एक चीज नोटिस करने लगी धीरे धीरे, मतलब वो अलीफ़बे से बढ़ते बढ़ते फिर कुरान तक में आने लगे। तो मैं बोली, हम लोग को खाला अम्मी पढ़ाती थी, तो मैं खाले अम्मी से बोली कि हम इसको पढ़ तो रहे हैं पर जैसे इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी, जैसे हम लोग संस्कृत पढ़ते हैं या फिर हम इंग्लिश पढ़ते, तो वो टीचर बताते ना कि इसका मतलब ये लिखा है हिंदी में, इसका मतलब ये होता है। तो मैं बोली इसका मतलब क्या होता है, इस मतलब कुछ ट्रांसलेशन होता होगा ना कि इसका क्या लिखा है हमको। तो वो बोले कि ऐसे अभी नहीं बताऊंगी, जब बड़े होते जाओगे तब बताओगे। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ होने लगा था, मतलब किसी का हलाला होने वाला था, तो मुझे तब नहीं पता था कि क्या होता है। तो फिर मैं अपनी मम्मी से पूछी, तो मम्मी बोली कि ये बहुत अच्छी चीज नहीं है, बहुत गंदी चीज है, ठीक है, तो ये तुमको अभी नहीं बता सकते हम। तो फिर मैं मदरसा गई, तो मैं मदरसा से खाला अम्मी से पूछी कि ये क्या होता है, तो उन्होंने मेरे को बताया कि क्या होता है। तो उस समय थोड़ा मतलब सोचने समझने की इतनी थी दिमाग की, जो है ये गलत है। तो मैंने बोला ये तो गलत है ना, ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना खाला अम्मी, क्या जरूरत है। तो उन्होंने बताया कि नहीं ये हमारे हदीस में है, हुजूर ने ऐसा फरमाया है कि ये सब जायज है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोली ऐसे कैसे फरमाया, ये चीज तो गलत है, और गलत चीजें तो अल्लाह पाक को मना करनी चाहिए, वो ऐसे इस चीज को प्रमोट कैसे करेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि तुम ज्यादा सवाल ना पूछा करो, बिल्कुल अपनी मम्मी जैसे हो, फालतू के सवाल पूछती रहती हो है ना, ज्यादा सवाल पूछोगे ना तो कुफर का फतवा लग जाएगा तुम पर, फिर पूछती रहना घर में बैठ के सवाल सारे। ये सारे बहुत चीजें बोल के मेरे को चुप करा देते थे।
अच्छा मतलब हक नहीं दिया था कि मैं पूछूं कुछ। फिर फिर ऐसे ही मतलब बहुत, फिर मैं धीरे धीरे और पढ़ने लगी पढ़ने लगी, तो साल बीतते चले गए और मैंने उस चीजों को समझना शुरू किया कि क्या होता है, ये क्यों होता है। फिर मन में यह है कि इसमें बहुत सारी चीजें गलत है। जैसे मैं 9 में थी या शायद 10th में थी, तो मैंने स्लेवरी के बारे में जाना कि क्या होता है, और उसको मैंने फिर कुरान में भी देखा, तो मेरे दिमाग में आया कि इसको तो प्रमोट नहीं करना चाहिए, तो गलत चीज है जो कि इस्लाम प्रमोट कर रहा है। तो मैं बोली कि ये चीजें मतलब गलत है ना मम्मी, कि इस्लाम प्रमोट कर रहा है। तो मम्मी बोली गलत है, और अगर तुम ये बात किसी से बोलने भी जाओगे ना गलत है, तो कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, यहाँ पर कोई नहीं बैठा है जिसको ये चीजें समझ में आएंगी। जो तेरे को छोटी उम्र में आ रही है वो यहाँ पे बड़े बड़े को समझ में नहीं आती। और हाँ, आज जो हमारी कंडीशन है, मैं ये सारी चीजें समझा समझा के थक गई, इसलिए मेरी कंडीशन ये है। अगर तू समझाने जाएगी तो तेरी भी यही हालत कर देंगे ये लोग। तो मैं बोली जब ये सारी चीजें हैं तो हम क्या बोलते इससे निकल क्यों नहीं जाते। तो मम्मी ने कहा कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसमें ना एक कलमा पढ़ो, तौबा करो और एंट्री कर लो बस। लेकिन अगर आप यहां से इसमें से निकलना चाहते हो तो उसकी इजाजत नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें से निकलना मतलब बिल्कुल जान से मार देंगी। मम्मी ने मेरे से ये चीज बोली थी, तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये सारी चीजें, बहुत चीजें गलत हो रही है, बिल्कुल भी सही नहीं। फिर मैं ना उसमें से थोड़ी कटती चली गई, फिर आपकी स्ट्रीम वगैरह देखने स्टार्ट कर दी। मतलब पहले मैं ऐसी यूट्यूब में कुछ कुछ देखती थी इसकी, लेकिन एक दिन नजर पड़ी स्ट्रीम में, छोटे से वो होता है ना क्लिप, उसमें तो फिर मैं देखी इसमें क्या है, तो फिर उसमें एक्स मुस्लिम लिखा था। मैं बोली ये क्या चीज है, मतलब मैं हमारे इधर ना ये सारी चीजें कोई नहीं जानता कि एक्स मुस्लिम चीज कोई एग्जिस्ट करती है, कोई भी नहीं। जी तो फिर मैंने देखा पहली बार, तो मैं ना बोली ये क्या है। फिर मैं आपकी स्ट्रीम देखी, तो स्ट्रीम देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर मेरे को समझ में भी आने लगा। तो मैं बोली कि मैं पहले सोचती थी कि हाँ चलो मैं ही एक ऐसी इंसान हूँ जिसको इस्लाम में बहुत सारी बुराइयां दिखाई देती है, लेकिन जब मैं स्ट्रीम देखी तो मुझे लगा नहीं, मतलब बहुत सारे लोग मेरे जैसे सोचते हैं जिनको इस्लाम में बुराइयां दिखाई देती है। तो मैंने अपनी मम्मी को दिखाया स्ट्रीम आपकी, तो मम्मी को मैंने दिखाया, तो मम्मी को मैं बोला देखो सिर्फ मुझे या फिर आपको इसमें गलती नहीं दिखाई दे रही है, सभी को दिखाई देती है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं जिनको दिखाई देती है, और एक्चुअली मौलानाओं को भी देखो दिखाई दे रही है, लेकिन वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो मम्मी बोली जी ये एक्सेप्ट ही तो है जो नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इनको भी पता है कि इस्लाम में सिर्फ एक कलमा पढ़ो और अंदर आ जाओ, इसके इस्लामिक बन जाओ तुम, बस तौबा कर लिया, कलमा पढ़ा देंगे और फिर हो गए तुम मुसलमान। लेकिन अगर तुम इससे बोलो कि नहीं मेरे को नहीं रहना मुसलमान, मेरे को बाहर जाना है, फिर देखो क्या करते हैं ये तुम्हारे साथ, सांस नहीं लेने देंगे, दूसरे दिन सूरज नहीं देख सकते तुम, एकदम कला काट के रख देंगे। मम्मी ने ये चीज मेरे को बताई। जी अच्छा तो आप जो है वो हमारा चैनल आपको सडनली पॉपअप हुआ, यानी वो सजेशन में आपको दिखाया, फिर वहां से आपने स्ट्रीम देखना शुरू किया जिससे आपका हाँ आपकी हिम्मत और बढ़ी। डाउट्स हाँ पहले से थे, आपको ये लग रहा था कि इस्लाम में बहुत सारी चीजें गलत है, लेकिन जब आपने हमारा हाँ चैनल देखा, वीडियोस देखे, स्ट्रीम देखी, तो आपको ये दिलासा मिला या हिम्मत मिली कि यार मैं अकेले नहीं हूं इस तरीके से सोचने वाली, मेरे जैसे कई और लोग हैं। फिर आपने फैसला हाँ किया कि आप आके जो है वो अपनी स्टोरी बताएंगी। तो क्या आपकी मम्मी जो है उन्होंने भी इस्लाम छोड़ दिया या क्या मामला है उनका, क्योंकि उन्होंने तो बहुत सहा है, आपने तो सिर्फ देखा है, उन्होंने सहा है। हाँ सहा तो बहुत कुछ है मम्मी ने, लेकिन मम्मी ब्लाइंडली इस्लाम को फॉलो नहीं करती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब हर गलत चीज को सपोर्ट करे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ अगर हजरत अली की बात की जाए तो वो उनकी फैन है। मतलब वो सुबह उठेंगी ना तो बस हजरत अली का नाम लेंगी, वो रात को सो रही है तो हजरत अली का नाम लेंगी। और इस हद तक है कि मतलब हमारे घर कुछ अच्छा हुआ, मतलब
कोई भी चीज खुशखबरी आ गई छोटी बड़ी वो कुछ नहीं होगा, पहले हजरत अली की फातिहा होगी। दस से अच्छा, वो बहुत ज्यादा उनको फॉलो, मतलब उनको बहुत मानती है वो, हजरत अली की और दीवानी मुझे है आपकी भी माँ। हाँ मतलब, और ना मुझे दिन रात उनके किस्से सुनाती है कि पता है तुझे वो सजदे में थे तब उनका गला काट दिया गया था, लेकिन फिर भी वो तलवार लेके लड़ रहे थे, फिर एक बुढ़िया ने टोक दिया जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। ये सारे किस्से वो मुझे हमेशा सुनाती रहती है। मतलब वो एक अली की मोहब्बत में आपकी माँ टिकी हुई है इस्लाम में। हाँ बस उन्हीं की मोहब्बत में टिकी हुई है, वो उनके किस्से ही सुनाते रहती है मुझे कि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं वो, शेरे खुदा हैं वो, मतलब वो 24 घंटे उनके मतलब नाम रटना है उनको, पर ब्लाइंडली इस्लाम फॉलो नहीं करती। आपकी माँ जो है वो शिया है सुन्नी है? सुन्नी है, मेरे नाना भी सुन्नी थे, मेरे जो फादर है वो भी न्यू सुन्नी थे, मतलब सुन्नी सुन्नी में ही शादी होके गई है, लेकिन वो हजरत अली को बहुत ज्यादा मानती है। अच्छा, कहीं ना कहीं वो हजरत अली की मोहब्बत है, और हाँ यानी सुन्नी होते हुए भी जिस तरीके से अंधे हमारे शिया हजरात होते हैं, उस तरीके का अंधापन जो है, मोहब्बत का अंधापन हजरत अली को लेके वो आपकी मम्मी के अंदर है। हाँ वो है, उनको लेकर है। जी, तो दोस्तों ये थी एक्स मुस्लिम अदा जी की दास्तान, और आंशोर बड़ी दर्दनाक इनकी कहानी है, दास्तान है, खास करके बचपन से लेके बड़े होने तक इन्होंने जितना देखा है, सोचो कि किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ होगा इनके जहन पे। और इनकी जो अम्मी जान है, उन्होंने तो क्या कुछ सहा है, और ये सब करने वाला कौन था? एक मौलवी, और वो हवाला यानी इस दरिंदगी का कि को जो आड़ बनाता था, वो इस्लाम को आड़ बनाता था, यानी इस्लाम की आड़ में वो ये इस तरीके का उसका रवैया रहा है। उसने हमेशा ये कहा है कि भाई औरतों की कोई इज्जत नहीं है, या तुम सिर्फ बिस्तर तक हो। इस तरीके की बातें इनके जो वालिद है उन्होंने की है। तो बड़ा दुख हुआ सुनकर इनकी बातें, और मैं इनको सल्यूट करता हूँ वंस अगेन कि छोटी सी उम्र में इतना सहने के बाद इन्होंने ये फैसला किया कि वो आकर बताएंगी। तो मेरा एक सवाल आपसे ये है एक्स मुस्लिम अदा जी, ये जो आपने बताया है ये बहुत पर्सनल चीज़ है, यानी आप घर के मामलात है जो आपने डिसाइड किया कि आप आके बताएंगी, तो उसकी वजह क्या रही है, यानी क्या आपने सोचा कि मुझे क्यों आके ये चीज़ बताना चाहिए? मैं चाहती हूँ ना कि जैसे मुझे ये सब चीजें पता चली, और वो काफी लेट से पता चली, आप लोग की स्ट्रीम तो बहुत सालों से चल रही है लेकिन काफी लेट से मुझे पता चली। अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग के जैसे या हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ना नहीं जानते कि एक्स मुस्लिम चीज कोई होती भी है, तो उन सब चीज उन सबको ये सब पता चलनी चाहिए कि ऐसी चीज एग्जिस्ट करती है। जितना ज्यादा फैलेगा उतना तो अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे घर के पीछे में सेम किस्से हो रहे हैं, और वो औरत कोशिश करती कि वो बाहर जा करके पुलिस को अपनी प्रॉब्लम बता सके, दो बच्चे का फादर है और वो अपनी वाइफ को छोड़ करके दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है। अब अपनी वाइफ को बहुत मारता पीटता भी है, जब उसने ऐसी कोशिश की तो मतलब पूरी जमात आ गई उसके घर में और उसको रोक दिया उसने, यहाँ तक कि उसके उसने अपने पेरेंट्स को बुला लिया था, तो उसके पेरेंट्स जो है वो भी आ गए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कहा चुप हो जा, घर का मामला है। घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं। नहीं, और अगर उसने निकाह कर भी लेता है तो क्या बुरा है, अपने इस्लाम में सब जायज है, हाँ, वो तो जायज है ही।
जायज है, लेकिन सामने उसकी बीवी नहीं चाहती ना ऐसा। तो बीवी की बीवी को कोई हक है ही नहीं ना कि वो रोक सके, वो इनकार कर सके कि यार आप नहीं कर सकते हो दूसरी शादी मेरी इजाजत के बिना, बिल्कुल और श्योर इसी कर सकता इनकार है। के चक्कर में मार रहे, वो इतना मार खा रही, इतना मार खा रही कि आप उसका मतलब, जैसे मेरी मम्मी को मार वार पड़ते थे, उनको भी पड़ रहे हैं मार वार, और मैं रोज देखती हूँ ये चीजें। और वो उसको मार वार पड़ रहे, और वो पुलिस के पास जा नहीं सकती क्योंकि फैमिली में ना तो उसके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, और ना ही मतलब यहाँ के मुस्लिम सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, वो अकेले हो गई है बिल्कुल, और दो बच्चे हैं छोटे छोटे उसके भी। जी, तो मेरी सारे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं 2800 लोग, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग जुड़ सके। कई सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और ये सब बातें लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कि जब तक बातें पहुंचेगी नहीं, लोगों के जहन नहीं खुलेंगे, और लोगों के जहन नहीं खुलेंगे तो चेंजेस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले तो बात पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव हम देना चाह रहे हैं लोगों को, बहुत से बार क्या होता है कि एक चीज़ बचपन से आपके साथ गलत हो रही होती है लेकिन आपको पता नहीं होता है कि ये गलत है। आप बहुत सारी चीजें गलत कर रहे होते हो लेकिन आपको ये पता नहीं होता है कि ये चीजें गलत है। उसको एक पर्सपेक्टिव देना होता है जिससे एक इंसान को आसानी से समझ में आता है कि नहीं, ये वाकई में गलत है। तो मोमिनाओं के साथ भी यही मामला हुआ है कि उनके साथ जो जुल्म होता है, जो बंदिश में इतना रखा जाता है, और आ, आ, बीवी को लेके जितनी सारी चीजें रसूलुल्लाह ने बताई है, तो उनको पता ही नहीं है कि ये गलत है। उनके पास पर्सपेक्टिव नहीं है। जब उनको एक पर्सपेक्टिव के साथ बताया जाता है तब उनकी आंखें खुलती है। तो ये पर्सपेक्टिव देना हमारा काम है और पहुंचाना आपका काम है। तो उसके लिए आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आप लोगों को सिर्फ देखना नहीं है वीडियो को, बल्कि आप लोगों को शेयर भी करना है, क्योंकि जितना ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचेगी उतना ज्यादा लोग जो है इस गंदगी से, इस झंझाल से बाहर आएंगे। तो आप सभी लोगों से वंस अगेन रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है हमारी जितनी भी स्ट्रीम्स है, जो शॉर्ट वीडियोस चैनल पे, मेरे चैनल पे अभी लगातार मेरे ख्याल से हर रोज एक एक शॉर्ट वीडियो अपलोड होते जा रही है लेकिन उस पे व्यूज नहीं है। तो आप लोग जो है वो शॉर्ट वीडियोस भी देखिए, अगर हर कोई लंबी स्ट्रीम नहीं देख सकता, और उसको आप लोग जो है शेयर भी करिए ताकि इम्पैक्ट हो। अभी उस दिन जो एक बंदा आया था शाइलजा, आप लोगों को याद होगा जितने लोग उस दिन स्ट्रीम में मौजूद थे, शाइलजा करके जो एक फीमेल आई थी और उनका जो क्लाइंट था मोमिन, वो एक अच्छा बन के दिखा रहा था। हमने उनकी उसकी पोल खोली कि कितना अच्छा है वो, तो वो वीडियो अपलोड हुई है लेकिन तो व्यूज उस पे ज्यादा नहीं है, शॉर्ट वीडियो है, उसमें तो उसकी ज़हनियत सामने आई है। तो आप लोग छोटे छोटे वीडियोस को भी आप लोग लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, हर जगह लिंक शेयर करें ताकि बातें पहुंचे। सुपर चैट्स कुछ आए हैं, हम वो ले लेते हैं, उसके बाद हम लिंक पब्लिक करेंगे ताकि हमारे मोमिन भाई आए और जो कुछ इस्लाम की खूबसूरती है उसको बताए कि भाई क्यों लोग जो है वो इस तरीके की हरकत करते हैं और उनको बढ़ावा कौन दे रहा है, और हम या सारी दुनिया को वो मुसलमान क्यों करना चाहती है, यानी इस्लाम में क्या ऐसी अच्छाई है इंसानियत के लिए, सभी लोगों के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इररेस्पेक्टिव ऑफ फेथ, इररेस्पेक्टिव ऑफ आइडियोलॉजी, सारी इंसानियत के लिए क्या अच्छाई इस्लाम देता है कि लोगों को इस्लाम कबूल करना है। पायलट वाला कह रहे हैं, साहिल लेट स्टार्ट ए मूवमेंट टू गेट एक्स मुस्लिम एज ए लीगली रिकॉग्नाइज सरनेम एंड आस्क फॉर लीगल प्रोटेक्शन। व्हेन गांजा वाला कैन बी ए सरनेम, व्हाई कांट बी एक्स मुस्लिम बी वन। हाँ यार, ये आइडिया भी अच्छा है लेकिन ये किस तरीके से इसको आगे लेके जा सकते हैं वो हमें देखना पड़ेगा, गौर व फिक्र करना पड़ेगा, जो लीगल टीम है उनसे एडवाइस लेनी पड़ेगी कि इसको किस तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन।
ARV समझी कह रहे, हु नीड्स हेल्प साहिल भाई, सॉरी आई एम लेट इन द स्ट्रीम, प्लीज गिव $20 फ्रॉम माय साइड इफ रिक्वायर्ड एंड पॉसिबल, थैंक यू सो मच। राकेश प्रजापति कह रहे हैं, इंसानियत कायम रहे, बाकी सब फिजूल की बातें हैं, राम राम घनी खम्मा इन, थैंक यू सो मच राकेश जी। रिस्पेक्ट कह रहे, शाउट आउट टू यू अदा, ये आपके लिए शाउट आउट आया है अदा जी। थैंक यू। आशुतोष जी कह रहे, भैया ये सब सुन के रूह कांप गई, यार हमारी भी रूह कांप गई कि इस तरीके से एक इंसान जालिम कैसे हो सकता है। रेडबुल कह रहे, गुड पीपल विल डू गुड थिंग्स, बैड पीपल विल डू बैड थिंग्स, इट इज रिलीजन दैट मेक्स गुड पीपल डू बैड थिंग्स, स्टीवन वैनबर्ग, थैंक यू सो मच रेडबुल जी। आजाद खनातनी भाई कह रहे हैं, मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरी धर्म पत्नी के नाम है, मैं उसके रहम पे हूँ, वो जब चाहे मुझे घर से निकाल सकती है, जो मैंने उसके लिए उसके लिए ली, थैंक यू सो मच आजाद भाई। जमचंद जी कह रहे, वेर इज एडम, अम्ब फॉर मोमिन्स, एडम को जैसे ही वक्त मिलेगा वो जुड़ जाएंगे। जामचंद जी कह रहे हैं, साजिद भाई प्लीज कम ऑनलाइन, प्लीज तकरीर करें आप इन अरेबिक स्टाइल, साजिद भी जुड़ जाएगा कुछ दिनों देरों में। चित्रा शर्मा आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। शैलेश कह रहे हैं, ये इस्लाम की असलियत है, ये कल्ट है, इससे बाहर आ जाओ, रियली फीलिंग बैड अबाउट दिस चाइल्ड, दुआ में याद करो, थैंक यू सो मच शैलेश जी। जामचंद जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत शुक्रिया। और पायलट वाला कह रहे हैं, पापा रंजीत नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार। जतिन देसाई जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस अभी हम लिंक शेयर कर देते हैं। बैटमैन जी कह रहे हैं, अदा बहन एक बड़े भाई के तरफ से आपके लिए बहुत बहुत प्यार, आई सल्यूट यू फॉर योर करेज, थैंक यू साहिल फॉर गिविंग हर सच ए प्लेटफॉर्म, थैंक यू बैटमैन जी। अदा जी ये आपके लिए थैंक जी मैसेज आया, चलिए हम लिंक शेयर कर देते हैं। अमित लिंक पिन कर दो, सिर्फ मोमिन कॉलर्स को ही जुड़ना है, बाकी लोग ना जुड़े। दावत दीन कह रहे हैं, वीडियो सीओ स्कोर एसईओ स्कोर वेरी लो, 28.7 ओनली, प्लीज इम्प्रूव। दावत दीन भाई कैसा इम्प्रूव करे जरा आप बताइएगा, ताकि सर्च इंजन में हमारी वीडियोस आए। नॉन मोमिन प्लीज डोंट ज्वाइन, आप लोग आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग ना जुड़ना, सिर्फ हमारे मोमिन भाइयों को जुड़ने दे, ताकि अदा जैसी कई सारी जो फीमेल है जो इस्लाम से निकल रही है उनको बचाने के लिए हमारे जो मोमिन भाई है उनके पास क्या तरीकेकार है, किस तरीके से लोगों को एक्स मुस्लिम बनने से बचाएंगे, ये आपको आके बताना है, क्या स्ट्रेटेजी है आपके पास और किस तरीके से आप बचाएंगे जरा हमें बताइएगा। ऊंचा पैजामा कह रहे हैं, मेरी शक्ल देख के नहीं लगता कितना प्यारा मजहब है, तू जलता है मेरे लुक से, लव मोमो लाइफ मोमो पीस, थैंक यू भाई। अच्छा हमारे साथ फिरोज रहमान साहब जुड़े हैं जी जी, फिरोज भाई आपका इस्तकबाल है। जी हाँ सर, हम साल भर से परेशान हैं आपसे बात करने के लिए, बात नहीं हो रही है। कल क्या कहते हैं, समीर जी से फोन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से आपको जुड़ना है, चूंकि हम मोबाइल से इतना जानते नहीं हैं, तो कल वो बता दिया। उसके बाद उनका जो जैद और उनके साथ जो डिबेट हुआ था उसके एनालिसिस में हम जुड़े, कुछ उनसे बात हुई और आज अभी आपका लाइव चल रहा है तो हम ट्राई किए तो आप ले लिए हमको, तो हमको बहुत अच्छा लग आपके रहा कहने है। क्या और है आप? मैं नहीं, हम मोमिन नहीं है, हम पूरी तरह से एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। अच्छा पहले तो मोमिन थे ना, हाँ जी हाँ, पहले मोमिन थे। कब तक मोमिन थे आप? देखिए बचपन से लेकर के हम ऐसे बचपन से सोचते आ रहे हैं मुसलमानों के विषय पर, अपने परिवार के विषय बारे में, क्योंकि गरीबी जो देखते हैं हम, तो हम बचपन से ही सोचते आ रहे हैं। लेकिन जब से आप लोगों का पहले नमाज में पढ़ते थे 2 साल पहले 1.5 साल पहले, लेकिन मतलब जुमा का नमाज सिर्फ पढ़ते थे, उसके आप सबको देखने के बाद पूरी तरह से दिल से निकल गया और थोड़ा हिम्मत मिला कि नहीं, अब आने वाली जो पीढ़ी है या हम आने वाला जो समय है, इसमें चक्कर में हम अपना समय थोड़ा भी नहीं देंगे। तो
तो इस तरह से हम एक्स मुस्लिम बन गए। जी कोई सूरह इरा सुना सकते हैं, क्योंकि आप नमाजें जी पढ़ते जी थे हाँ जुमा की एटलीस्ट। वो बचपन में तो हम आज एक कौन क्यों बने हम एक्स मुस्लिम ऐसा कुछ करके था, उसमें ज्यादा लोग मतलब नहीं था, उसमें हम सारी अपनी कहानी सुनाए हम तो आपको। हम क्या कहते हैं, बचपन में हमारा अम्मा पारा पूरा याद था, आप तो भूल गए हैं। तो सूरह फातिहा हम किसी तरह टूटे फूटे आवाज में सुना देते हैं आपको, वैसे देख के जी पढ़ लेते हैं। देख के पढ़ आउज़ सकते हो। बिल्लाह, हाँ जी बिल्कुल, देख के पढ़ सकते अच्छा हैं। पहले सूरह फातिहा सुना, उसके बाद मैं आपको देख के पढ़ने कराता हूँ। आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर रहमान रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन, एदिन सिराट अल मुस्तकीम, सिराट अल लजीन अनअमत अलैहिम गैर मगजूब अलैहिम वलद्वालीन। और माशाल्लाह, देख के कही, हाँ देख के कहिएगा तो उतना ये नहीं है, मगर फिर भी मतलब वो थोड़ा मतलब ये करके पढ़ लेंगे। आप दिखा सकते हैं कोई, ये सूर्य जी मैं दिखा आपको सकते दिखा रहा हूं। जी हैं। वल कुरान अल हकीम, वल कुरान अल हकीम, जी इन्नका लिमिनल मुरसलीन, थोड़ा दिख रहा है कम चूंकि ये मोबाइल पर हम हैं। जी जी अला सिराती मुस्तकीम, एक मिनट रुकेगा, इन्नका एक लास्ट आयत पढ़ना है आपको। जी ये तंजीलल तंजीनल अरियू अरियून अजीयू अजीजिल ओ अजीजे अजीजे अर रहीम, अजीजे अर रहीम ठीक है, रहीम तो गाइस ये तो है। वाकई में मोमिन ही थे। नमाजें जो है वो पांचों वक्त का जो है एहतमाम नहीं करते थे। हाँ पांचों वक्त का एहतमाम नहीं करते थे, लेकिन मोमिन थे, जुमा इमा भी पढ़ते थे। इनके दिल में डाउट्स तो थे, लेकिन जब से ये हमारी स्ट्रीम देखने लगे हैं, वीडियोस देखे हैं, ये टोटली इस्लाम से बाहर आ चुके हैं। तो फिरोज भाई मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगा, और हमें बहुत खुशी है कि हमारी स्ट्रीम्स देख के कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बात रख के, फिर हम देखिए मोमिन हमको वालों की हम बात अपना करें। बात शेयर कर रहे हैं वहां पर, बहुत लंबी कहानी हुआ है मेरे साथ। तो वहां पर तो 100 आदमी देख रहा था, तो शायद अब हमें लगता है कि यहाँ फिर से बोलना चाहिए। तो वहां हम बोले, अब दोबारा बोलने में थोड़ा हमको ये लग रहा है, बोले तो बोल देते हैं। जी जी शॉर्ट में बताइएगा कि क्या मामला हुआ आपके साथ और क्यों आपने छोड़ा इस्लाम। देखिए हम अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं, जो कोई सुना होगा वहां पर वो फिर से सुन लेगा। तो क्या हुआ कि आज से 20 वर्ष पहले मेरे घर के सामने मस्जिद है, वहां पर 3 आदमी हम लोग रात में ईशा नमाज के बाद चर्चा हो रही थी, उसमें हम 5 वक्त नमाज ही पढ़ते थे। तो नमाज ईशा नमाज के बाद, गर्मी का समय था, गर्मी के समय में ईशा नमाज के बाद जैसे कि हवा खाने के लिए मतलब बैठा था, उसमें एक हिंदू भाई भी था। तो चर्चा चल रहा था कुरान पर और रामायण पर। तो ये हिंदू भाई ने कहा कि रामायण जो है सो रामायण का लेखक राइटर जो है, और वो उधर से नॉइस आ रहा था। हेलो, जी जी बोलिए। रामायण का वाल्मीकि ने कौन है, तो आप का कुरान का राइटर कौन है? तो एक जो एक दूसरा मोमिन था हमारा, रिश्तेदार ही होगा, उन्होंने कहा कि इसका कोई राइटर नहीं है, ये ऊपर से आया है। तो हम मन में बचपन से ही बात सब सोच रहे थे, तो हमने कहा कि अरे भाई कोई ना कोई राइटर तो होगा इसका, किसी ने किसी लिखा होगा इसको भी। तो इतना सुनना था, मेरे घर बगल में था, मेरा पापा सुन लिया इस बात को, बस वो एकदम लाठी लेकर के निकल गया, ये हरामी, ये इस्लाम से खारिज हो गया ये, अरे जो अब नाजिल हुआ आसमान से उसको तुम कह रहा है कि नीचे में लिखा है,
तुम काफिर हो गया, बस पूरा गांव में बवाल हो गया। हम कह रहे भैया हमारा गलती क्या, हम तो सोच के बोले कि बात जो कोई ना कोई राइटर होगा इसका, लेकिन वो लोग मान नहीं रहते, नहीं तुमको हिम्मत कैसे हुआ, मेरे पापा को भी सबको गाली दे रहा था, तुम्हारा बेटा काफिर हो गया है, तुम बेटा को समझा नहीं पा रहे हो, बताओ, कह रहा है कि ये जमीन पर किसे लिखा है, आसमान से नाजिल हुआ किताब, मुकद्दस किताब को ये झुठला रहा है इसका मतलब। अब हम अवाक हो गए, बोल नहीं पा रहे थे, हम चारों साइड से हमको घेर लिया गया, हम छोटे थे उस समय। अब किसी ने कहा कि इसको मारो, किसी ने कहा इसको इसको यहाँ से निकालो, हम पढ़ रहे थे उस समय, मैट्रिक में थे हम, तो हमको घर बंद कर दिया जिस रूम में हम रह रहे थे, मेरा पापा, और ताला बंद करके हमको यहाँ से कहा चले जाओ, रात का समय था। तो हम फिर गांव का जो मुखिया था, मतलब सरगना था बस्ती का, छोटा मोटा मुस्लिम आबादी है।